गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा जैन फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा. चैप्टर 2, होल नंबर्स. आई विल जस्ट लाइक टू थ्रो लाइट ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव जस्ट गिवन यू डिटेल डिस्क्रिप्शन. नाउ आई विल जस्ट थ्रो लाइट ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो टू स्टार्ट विद, फर्स्ट विल डिस्कस द कोर पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट विल डिफाइन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द होल नंबर्स. What are whole numbers? Okay. So, what are whole numbers? Children, you have already studied in the previous classes regarding the natural numbers. आप सभी को पता है कि natural numbers क्या होते हैं? That is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. This is a set of natural numbers. But when we include 0 in the set of natural numbers, it becomes the whole number. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So when the 0 is included in the set of natural numbers, it becomes whole number. So what are whole numbers? Kya hota hai whole numbers? That is, it is the combination of the natural number including 0 is known as whole number. That is, natural numbers along with 0, natural numbers along with 0 are known as whole numbers. Got it? तो क्या होते हैं whole numbers? यदि हम natural numbers में 0 को include कर लेते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि they are whole numbers. Now the next topic is, that is predecessor and successor. What is a predecessor and what is a successor? So just see children over here. Now next topic is predecessor and successor. Predecessor का मतलब होता है जो before आता है. That is before. और सक्सेसर का मतलब होता है दैट कम्स आफ्टर. तो प्रेडिसेसर क्या होता है? जो बिफोर आता है, पहले आता है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिसेसर. और सक्सेसर क्या होता है? जो बाद में आता है. प्रेडिसेसर के केस में, एज फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट राइटिंग द नंबर ओवर हियर. सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 5. द नंबर गिवन इज 5. अब मैंने आपको बोला है कि इसका आपको प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है. दैट इज, यू हैव टू फाइंड द predecessor of the number 5. तो predecessor क्या होगा? That is the number which comes just before 5. तो 5 के just पहले कौन सा number होता है? That is the number 4. तो जो भी number given है, यदि आप उसमें -1 कर देंगे, so you will just get the predecessor of a number. तो 5 का predecessor क्या हो गया? 4 हो गया. Similarly, यदि मैं बोलूँ कि 4 का predecessor आपको find करना है, मतलब 4 के जस्ट पहले, व्हाट नंबर कम्स जस्ट बिफोर द 4, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन, वो क्या कहलाएगा? प्रेडिसेसर. तो 4 में हमने -1 किया, सो नंबर इज 3. तो 4 का प्रेडिसेसर क्या हो गया? 3. 5 का क्या हो गया? 4. सो ऑन. तो जब भी हमें प्रेडिसेसर निकालना होता है किसी भी नंबर का, तो उस नंबर से आप क्या कर देते हैं? यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नंबर, सो दैट यू कैन गेट द प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ जस्ट कम टू द सक्सेसर. सक्सेसर मतलब जो बाद में आता है. प्रेडिसेसर का जो जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट वाइस वर्सा होगा, वो क्या कहलाएगा? सक्सेसर. जो नंबर बाद में आता है. सपोज आई एम राइटिंग द नंबर 10. The number is 10 and you have been asked to find the successor of the number 10. So 10 ke just baad kya aata hai? Which number comes next to 10? So 10 ke baad kya aata hai? It comes 11. Matlab successor jab bhi aapko find out karna rehta hai, to aap kya kar dete? Given number mein 1 ko add kar dete. Is it clear? Suppose kar yadi maine bola hai, you have to find the successor of the number 11. That means if you have to just find the just the number which comes after 11, so you will just add +1, so it becomes 12. तो predecessor का मतलब क्या होता है? जो number just पहले आता है, उस case में जो number given है, जिसका आपको predecessor निकालना है, आप वहाँ पे क्या करेंगे? You will just do -1. That is, you will subtract 1 from the number.
एंड इफ यू हैव जस्ट वॉन्ट टू फाइंड द सक्सेसर, यदि आपको सक्सेसर निकालना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जिस नंबर का भी आपको सक्सेसर निकालना है यू विल जस्ट एड वन टू द गिवन नंबर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है बिफोर, दैट इज द नंबर प्रीवियस टू द गिवन नंबर, एंड सक्सेसर मीन्स द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर. इज इट क्लियर नाउ? ओके. अब सपोज करो, ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स थे, दीज वर द स्मॉल नंबर्स. अब सपोज करो आपके पास कोई बहुत बिग डिजिट दे रखी है, जस्ट सी द नंबर 43281. ओके, दिस नंबर इज गिवन टू यू. अब आपको बोला गया है कि आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, प्रेडिसेसर फाइंड करना है. प्रेडिसेसर फाइंड करना है मतलब आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट सबट्रैक्ट वन फ्रॉम दिस गिवन नंबर. तो जब आप इसमें से माइनस वन करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा, दैट इज 08234. दैट इज 43280 इज द प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर 43281. हम प्रेडिसेसर निकालना था मतलब जस्ट पहले का नंबर निकालना था, इसलिए आपने जो नंबर यहाँ पे दे रखा था उसमें से आपने इसको माइनस वन किया है. इज इट क्लियर? सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट डिजिट ओवर हियर 92896. ओके, दिस इज द नंबर गिवन टू यू. नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू जस्ट फाइंड द सक्सेसर ऑफ द नंबर. सक्सेसर का मतलब क्या, इसके जो नंबर आपको गिवन है यू हैव टू जस्ट फाइंड द नेक्स्ट नंबर. ओके, तो नेक्स्ट नंबर निकालना मतलब आप क्या करेंगे, दैट इज यू विल जस्ट एड वन टू द गिवन नंबर. तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, यू विल जस्ट प्लस वन. तो 6 + 1 = 7 9 8 2 9. सो सक्सेसर ऑफ 92896 इज 92897. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ जस्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन. द नेक्स्ट टॉपिक इज द नंबर लाइन. आई होप सो चिल्ड्रन दैट यू नो व्हाट इज द नंबर लाइन. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, यू हैव स्टडीड अबाउट द नंबर लाइन. नाउ जस्ट सी अ नंबर लाइन. इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर लाइन, क्या मीनिंग निकलता है, इन अ ईजी वे क्या बोल सकते हैं, इट इज द लाइन ऑफ नंबर्स. व्हाट इज द नंबर लाइन, इट इज द लाइन ऑफ नंबर्स. नंबर लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ नंबर्स. As you all know that towards the right of zero there exist all the positive integers and towards the left of zero there are all negative integers. तो अभी हम यहाँ पे integers की बात नहीं करें, we are just talking about the whole number. Okay? So I will just draw the number line over here. I'm starting from the whole number over here. Zero is the smallest whole number. 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 9 we will take. Okay, this is 9, so this is the line of numbers. Okay, I have just taken this number line. Ab suppose karo what you have to do, if you have to just perform the operation of addition on the number line. Number line pe hum addition kaise karte hain, so just see, first we will do the mathematical operation of addition on the number line. सपोज करो हमको नंबर ऐड करना है, यू हैव बीन गिवन टू ऐड 2 + 3 ऑन द नंबर लाइन. आपको क्या करना है, 2 + 3 का सम निकालना है एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2. सो वेयर इज 2, हियर इज 2. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ऐड 3. मतलब कितने जम्प्स लेंगे आप, यू विल टेक 3 जम्प्स. सो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 1 2 3. तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, जब आप 2 + 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता, 5. तो यदि आपको, इफ यू हैव टू डू द एडिशन ऑन द नंबर लाइन, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको ऐड करना है उतने जंप्स आप लेंगे. इज इट क्लियर? तो हम क्या करें, 2 में 3 को ऐड करना है, दैट इज यू हैव टू ऐड 3 to 2. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2, कितना ऐड करना है, 3. सो यू विल टेक 3 जंप्स, दैट इज 1 2 3. So your addition comes out to be 5. Is it clear students? Now second is the subtraction. How to perform the operation of subtraction on the number line? Subtraction kaise karte hain? Suppose karo, one more thing is that students, whenever you are doing the addition on the number line, you have to move towards the right.
जब भी आप एडिशन कर रहे हैं तो आप नंबर लाइन पर राइट में मूव करेंगे. यू कैन सी हियर दैट आई मूव टुवर्ड्स दी राइट. जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है, इसी का अपोजिट हो जाता है. तब आप क्या करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे. वेन एवर यू आर जस्ट परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन देन यू विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. एज फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हियर 6 माइनस 4. ओके, वॉट यू हैव टू परफॉर्म नाउ, 6 माइनस 4. तो अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है. विल जस्ट मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट. एडिशन के समय हम राइट में मूव कर रहे थे, और सब्ट्रैक्शन के समय हम कहाँ पे मूव करेंगे, वी विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट. सो विल स्टार्ट फ्रॉम 6. आई एम जस्ट रमिंग नेक्स्ट नाउ. जस्ट सी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6, और कितना माइनस करना है, 4 को 6 में से माइनस करना है. दैट इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम अ नंबर 6. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे. कितने जंप्स लेंगे, क्योंकि हमको क्या माइनस करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर 4. दैट मीन्स यू विल टेक 4 जंप्स टूवर्ड्स द लेफ्ट. सो 1, 2, 3 एंड 4. सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 2. हमको क्या करना था, 4 को माइनस करना था. किस में से माइनस करना था, 6 से. सो वी हैव स्टार्टेड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अ नंबर 6 एंड वी हैव टेकन 4 जंप्स एज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर 4. सो 1, 2, 3 एंड 4. सो 6 माइनस 4 इज 2. सो दिस इज द वे दैट यू कैन डू सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. नाउ द थर्ड ऑपरेशन, यू कैन ऑल्सो डू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन. आप मल्टीप्लीकेशन को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट. सो वी विल जस्ट डू नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर लाइन. मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन. अब सपोज करो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 into 4. वॉट यू हैव टू डू, दैट इज 2 into 4. 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4 टाइम्स. सो लेट्स सी नाउ हाउ मैनी जंप्स यू हैव टू टेक. यू हैव टू टेक 4 जंप्स. सो 2 4s are 8. सो ये जस्ट सी, विल स्टार्ट फ्रॉम 2. ओके, नाउ वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द हाउ मैनी, 2 4s are 8. 4 को आप क्या करें, 4 into 2. तो जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज यू विल टेक द स्लॉट ओवर या 1, 2, 2 again 2 and again 2. सो 2 4s are 8. यू कैन सी व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर, सो इट कम्स आउट टू बी 4 2s are 8. या आप इसको यहां से भी स्टार्ट करते, यू कैन सी अभी हमने इसको चेंज कर दिया है, दैट इज 4 2s are 8. 4 को हमको कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स. तो जितने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है उतने ही जंप्स आप लेंगे. ये 2 क्या क्या स्पेसिफाई कर रहा है, इट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ जंप्स एंड द नंबर ऑफ टाइम्स. तो आपको कितने बार करना है, गैपिंग कितने की रखनी है, यू हैव टू टेक द गैप ऑफ 2. 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप भी आपको कितना लेना है, 2 का लेना है. और कितने का, कितनी बार आपको जंप लेना है, दैट इज यू हैव टू टेक द जंप फॉर द 2 टाइम्स. सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से. सो वी स्टार्ट फ्रॉम 4. कितने जंप लेना है, 2 जंप्स लेना है. और कितनी बार लेना है, दैट इज यू हैव टू टेक फॉर द 2 टाइम्स. तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम 2 जंप्स लेंगे. सो 1 एंड 2. और ये क्या बता रहा है, ये 2 हमें क्या बता रहा है, गैपिंग भी बता रहा है. सो दिस 2 स्पेसिफाई द गैपिंग, इट स्पेसिफाई द गैप प्लस द नंबर ऑफ टाइम्स, प्लस द नंबर ऑफ टाइम्स. इज इट क्लियर. सो 4 2s are 8. सपोज करो हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं. आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर, दैट इज जस्ट टेक 2 into, वॉट यू कैन टेक, सपोज करो 6 into 2 लेते हैं. वी आर टेकिंग 6 into 2. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 6 से स्टार्ट करेंगे. इस नंबर लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, डेट इज 10
11 एंड 12. अब कहां से स्टार्ट करोगे आप? 6 से स्टार्ट करोगे. सो यू कैन सी यू विल स्टार्ट फ्रॉम 6. और गैपिंग कितने की रखेंगे हम? अगेन 2 2 की रखेंगे. सो इट कम्स आउट टू, जो आप 6 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इट इज 6 इंटू 2 इज 12. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? गॉट इट नाउ? नाउ वी विल जस्ट स्टडी अबाउट द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर? दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. सो होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड द मल्टीप्लीकेशन. सो वेन यू आर जस्ट एडिंग एनी टू होल नंबर्स, वेर ए इज ऑल्सो अ होल नंबर एंड बी इज ऑल्सो अ होल नंबर, सो इट्स सम्स विल बी ऑल्सो अ होल नंबर. इट्स सम विल ऑल्सो बी अ होल नंबर. सिमिलरली इफ यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग, इफ ए इज अ होल नंबर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द अनादर होल नंबर, अगेन इट्स रिजल्ट विल बी अ होल नंबर. गॉट इट? नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. That is the commutative. What does it say? That a plus b is equals to b plus a. That is, if you are adding any two whole numbers, you can just also add it in the reverse order. As for an example, 2 plus 1 is equals to 1 plus 2, which is equals to 3. Similarly, it is also commutative property is also closed for multiplication. That is, a into b is equals to b into a. That is 6 into 2 is equals to 2 into 6, which comes out to be 12. Got it? Now the third property is known as the associative property. Associative property. What does it say? If there are three whole numbers such that a, b and c, then a plus b plus c is equals to a plus b plus c. What you are doing in the associative property? You are just doing the pairing of the whole numbers. In the left hand side, you can see that first of all, you are adding the first two whole numbers and the result will be added to the third whole number. Similarly, towards the right hand side, you are adding the second and the third whole number and the result is getting added to the first whole number. Similarly, it is closed for associative property is closed for the multiplication also. So a into b into c is equals to a into b into c. Only the multiplication sign, only the addition sign has been changed to the multiplication. Is it clear? But it is does not follow in the case of the subtraction or the division. Now the last property is known as the distributive property. That is the addition over multiplication. Last property is the distributive property. Now what does the distributive property says? That is a into b plus c is equals to, that is jab bhi, when one of the term is outside the bracket, then we will just multiply this term with all the terms inside the bracket. That is, first of all, you multiply a into b. A into b, addition sign will remain as it is. Then you multiply this term outside the bracket with the second term inside the bracket. So a into b plus c is equal to a into b plus a into c. So these are the children basic concepts of the whole numbers. Now we'll just start solving the questions of the exercise. So please open your books. We'll start with the exercise. That is exercise 2.1. Everybody get ready with the books on rough copies. Exercise 2.1. Just take out page number 31. Page number 31. Now just see the first question. Go through it.
राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू हैव टू राइट द थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999. क्या बोला गया आपको? थ्री नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स मतलब यू हैव टू राइट द सक्सेसर्स. तो हम क्या करेंगे इसमें? प्लस वन करेंगे, तो व्हाट नंबर यू विल गेट? दैट इज 11,000. आपको कितने नंबर्स निकालने? अगेन प्लस वन, सो इट कम्स आउट टू बी 11001. अगेन प्लस वन, सो इट कम्स आउट टू बी 11002. सो व्हाट आर द थ्री नेचुरल नंबर्स नेक्स्ट टू 10999? दैट इज 11,000, 11001, 11002. That means you have to find the three successors of a given number. Is it clear, students? Now just see the next question. Write the three whole numbers occurring just before 10001. Now that means the predecessor has been asked to you. इस केस में आप क्या करेंगे? You have to perform the operation of subtraction. अब आपसे क्या पूछा गया? Numbers just before it. तो before numbers कौन से होते हैं? That is predecessor. So question number 2, what is the number given to you? That is 10001. Now what you have to do? You have to find, do the subtraction. Iske pehle wale numbers aapko find out karne. That means you have to do minus 1. Kitne numbers find out karne? That is 3. So you can just see over here. Then the next number, iske just pehle ka number kya hoga? That is when you will just subtract minus 1 karoge to 9999. Again when you will just do minus 1, the next number will come out to be 99998. So these are the three numbers just before 10001. Now question number 3, which is the smallest whole number? It's very much easier, as I've already told you that is 0 is the smallest whole number. Okay, now just see question number 5. Write the successor of question number 5, just see B part. You have to write the successor of the number 10099. That means successor jab bhi find out karna hota, what we will do? We will just add 1 to it. So what will it be? 10200 is the successor of 10099. Now just see question number 6, that is you have to write the predecessor of the numbers. So question number 6, it's very much easy. Just see B part. 1, 2, 3, 4. Predecessor find out karna hai, matlab aapko kya karna? That is you have to just find the before number. Iske just previous number kaun sa? That means you have to subtract 1. To kya jayega? 9999. That is 9999 is the number. Now children, just come to the next exercise over here, that is exercise 2.2. just take it out. 2.2, it's page number 40. Just come to page number 40. Exercise 2.2, page number 40. Now just see, find the sum by the suitable arrangement. You have to find the sum by the suitable arrangement. Just see question number 1, first part. Question number 1, A part. So 837 plus 208 plus 363. So you can add the numbers by combining it. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे. सो 7 प्लस 8 इज 15, 3 प्लस 1 4, 8 9 10, 1045 प्लस 363. अगेन यू कैन ऐड द नंबर्स. 5 प्लस 3 इज 8, 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 1 4. सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 1408. नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. Okay, so we'll just move to the question number 2. You have to find the product by doing the suitable arrangement. So question number 2,
जस्ट सी द बी पार्ट ओवर हियर. सो 4 इंटू 166 इंटू 25, 4 इंटू 166 इंटू 25. तो हम जब भी हमें प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है तो हम ऐसी टर्म्स को कंबाइन करते हैं जिससे कि हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए, इट बिकम्स मोर इजी. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल जस्ट कंबाइन दिस टर्म्स, 4 इंटू 25 इंटू 166. सो व्हेन यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट ऑफ 25 फोर्स आर 100 इंटू 166. सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 16600, दैट इज 16600. ओके, सिमिलरली यू कैन जस्ट डू द अदर पार्ट्स ऑल्सो. नाउ जस्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, इन विच यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. जस्ट सी द बी पार्ट ओवर हियर, 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279. नाउ चिल्ड्रन, विच प्रॉपर्टी यू कैन अप्लाई, कैन एनी बी टेल? यस, यू कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. सो यू विल जस्ट टेक कॉमन फ्रॉम हियर, दैट इज 54279 इंटू 92 प्लस 8 विद द प्रॉपर्टी विच यू आर जस्ट अप्लाइंग. यू हैव टू मैंशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो 54279, 92 प्लस 8 इज 100. सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 54279 00. सो दिस इज द आंसर. नाउ जस्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, दैट इज यू हैव टू डू द प्रोडक्ट. सी द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4, what does the question number 4 says? That is, you have to find the product using the suitable properties. So just see B part over here. That is 854 into 102. यदि आप इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. एंड इफ यू आर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ओवर हियर, इट विल बिकम मच मोर इजी. सो यू कैन जस्ट डू 854, इसको 102 को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट अप कर देंगे. 102 कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 100 प्लस 2, दैट इज यू आर अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर हियर. यू आर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, कौन सा फॉर्म चल रहा है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए इंटू सी, दैट इज 854 इंटू 2. सो 854 00 प्लस 24 are 8, 25 are 10, 28 are 16, प्लस 1 17. तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 4 11, 6. सो योर आंसर इज 86108. ओके चिल्ड्रन, नाउ जस्ट कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ओवर हियर, द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 2.3. नाउ जस्ट सी एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0. यू हैव टू जस्ट सी दैट विच विल नॉट रिप्रेजेंट 0. सो जस्ट सी द क्वेश्चन ओवर हियर, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, ए इज 1 प्लस 0, सेकेंड पार्ट इज 0 इंटू 0, थर्ड इज दैट इज 0 अपॉन 2, एंड द डी इज 10 माइनस 10 अपॉन 2. वॉट इज द क्वेश्चन, दैट विच नंबर विल नॉट रिप्रेजेंट 0. सो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1. सो इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग 0. It does not represents 0. Now the next is 0 into 0. It's obviously 0. So it is representing 0. Third option, 0 by 2 is, that is 0.
10 minus 10 again 0 upon 2 which is 0. So only there is one part which is not representing 0, that is A, 1 plus 0 is equals to 1. So children, that's all for today. I hope whatever I have taught you, you understood it well. So please keep on practicing the questions. Thank you.